स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं इसके दोगुना के रिजल्ट का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आने वाला है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होंगे, उन सभी को अभी रिजल्ट का इंतजार है। आप सभी जानते हैं बोर्ड को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल गई है। आचार संहिता समाप्त होने से लगभग 15 से 20 दिन पहले यहाँ पर परमिशन मिली है, तो अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनका रिजल्ट भी जल्द से जल्द आएगा। इसी को लेकर बोर्ड ने आज एक रिजल्ट भी जारी किया है। ये रिजल्ट जो था ये पेंडिंग था, यानी कि इसे बनाया जा चुका था लेकिन यहाँ पर जारी नहीं हो पाया था। तो वही जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट जल्द देखने की उम्मीद है कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट जल्द निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर अपडेट भी है। अभ्यर्थियों का कई प्रश्न रहता है कि यहाँ पर उनके द्वारा जो प्रीफ्रेंस भरा गया था फॉर्म भरते समय, JRA और TRA, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर दो प्रकार की पोस्ट है। एक है JRA की यानी कि जूनियर अकाउंटेंट की, और दूसरी है TRA यानी कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की। तो यहाँ पर दोनों में प्रीफ्रेंस भरवाई गई थी, लेकिन उस समय अभ्यर्थियों ने किसी कारणवश गलत प्रीफ्रेंस भर दी थी, या अब उनका मन है प्रीफ्रेंस चेंज करने का, तो उसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष का बयान भी है, या आपने देख भी लिया होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोर्ड ने आज एक रिजल्ट जारी किया है जो कि वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट पहले पेंडिंग रखा गया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट जारी किया गया है। वही अगर बात करें तो आज का अपडेट क्या है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक राज जी का आज ट्वीट है कि JRA एंड TRA जो भर्ती है, पिछले कुछ दिनों में कुछ कैंडिडेट ने बोर्ड को एप्लीकेशन दी कि बोर्ड इच्छुक कैंडिडेट की अपनी चॉइस प्रीफ्रेंस को TRA से JRA या फिर JRA से TRA करने की परमिशन दे। यानी कि उस समय जो प्रीफ्रेंस मांगी गई थी कि नंबर वन पर आपको कौन सा रखना है, नंबर टू पर कौन सा रखना है, तो उसको यहाँ पर चेंज करने के लिए कई अभ्यर्थियों ने बोर्ड से यहाँ पर एक तरीके से गुहार की है कि यहाँ पे उनका जो है प्रीफ्रेंस चेंज किया जाए। तो उसको लेकर अपडेट है कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा इसे नहीं माना गया है, यानी कि अब यहाँ पे कोई प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। आपने जो प्रेफरेंस पहले भर दी थी वही रखी जाएगी। अगर आपने उस समय TRA को पहली चॉइस पे रखा था तो अब वो आपकी वही रहने वाली है, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी अब यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी वो है जो कि यहाँ पर TRA से अपनी प्रेफरेंस को JRA में चेंज करना चाहते हैं। तो वहीं पर यहाँ पे अपडेट है कि इस प्रकार की प्रेफरेंस अब चेंज करने का मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है रिजल्ट की, तो आप सभी का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाएगा क्योंकि आज बोर्ड ने वनपाल भर्ती परीक्षा में एक रिजल्ट जारी किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले वीक में आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो सकता है, यानी कि आने वाले वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।